यारो सब्सक्राइब करो चैनल को और दबाओ बेल आइकन को, क्योंकि तुमको आने वाली नई नई वीडियो भी तो देखनी है ना। दबा दो, दबा दी ना, ठीक है। और रिमोट से इसको अपने आप ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, बढ़िया कंडीशन मिल जाएगी। सनरूफ भी देख सकते हो, बिल्कुल एकदम न्यू टायर होने वाले हैं। सेंट्रो होगी डबल गियर के, इसमें आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। कैसे हो आज मैं आया यार करोल बाग। और आप सब लोगों को पता है कि करोल बाग के अंदर आपको सेकंड हैंड बाइक, स्कूटी, कार सब तरीके की चीज़ें मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यार दिखाने वाला हूँ सेकंड हैंड कार। तो मैं इसमें आपको कुछ बजट कार भी दिखाऊंगा, कुछ आपको लग्जरी कार भी दिखाऊंगा, अच्छी से अच्छी कार दिखाऊंगा। और जितनी भी कार होंगी सारे एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सब ज़्यादातर यहाँ पे प्रोडक्ट आपको विद सर्विस रिकॉर्ड मिलेंगे और फर्स्ट ओनर भी होंगे। और इनके पास अगर कार की बात करें तो आपको दिल्ली और हरियाणा नंबर की ज़्यादातर कारें मिलेंगी। तो देखते हैं आप किस तरीके का इनका स्टॉक होगा, कैसी कैसी यहाँ पे कारें मिलने वाली है। और आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे देख सकते हो, जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो वहाँ पे जाके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ताकि मेरी वीडियो देख पाओ। और जो बराबर में जो बेल आइकन हो गया ये वाला, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि उससे आपको ये होगा आप मेरी वीडियो से कनेक्ट रहोगे, नई नई वीडियोज़ देख पाओगे। तो देखते हैं आप किस तरीके का स्टॉक होने वाला और प्राइस आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा और लोन वगैरह पे भी आपको कार मिल जाएगी। तो यहाँ के ऑनर से मिलते हैं और पूछते हैं कैसे कैसे यहाँ पे स्टॉक होने वाला है। तो भैया शॉप के ऑनर होंगे, किस किस ब्रांड की आपके पास कार मिल जाएंगी? बॉस आपने भी हमारे पास आके देखा है, लगभग सारे ब्रांड्स हैं। वीडियो में तो हम पूरी तरीके से दिखा नहीं पाए, लेकिन जब कोई कस्टमर हमारे पास विजिट करता है तो फिर जो ब्रांड आप कहते हैं, चाहे वो मारुति हो, ह्युंडई हो, होंडा हो, एनीथिंग इंडियन और आउट ऑफ इंडिया, सब अपने पास अवेलेबल। तो काफ़ी सारे ब्रांड की आपको कार मिलने वाली है, इसमें मेन आपको मैंने कुछ दिखा दी, आओगे तो आपको और भी ज़्यादा मिल जाएंगी। और कितने से स्टार्ट हो जाती है कार, एक मिनिमम प्राइस बात करें? मिनिमम प्राइस अगर आप देखते हैं तो अच्छी गाड़ी कम से कम लाख रुपए से होती है। बाकी हमारे जो फाइनेंस फैसिलिटी है भी, मैं 40-50,000 डाउन पेमेंट करके आप फाइनेंस करा सकते हैं अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। तो ये क्लाइंट्स हम यही कहते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है, आपके क्रेडिट स्कोर में कोई कमी नहीं है, तो आप आराम से आके फाइनेंस करवाइए प्लीज। अच्छा, तो 40-50,000 रुपीज़ में कार फाइनेंस हो जाती है, मतलब डाउन डाउन पेमेंट करा सकते हैं 3-4 लाख की गाड़ी। अच्छा, तो इजीली फाइनेंस हो जाती है। और लैक वाली भी गाड़ी फाइनेंस हो जाती है? हाँ, बिल्कुल लैक वाली भी, लेकिन फाइनेंस के प्रोसीजर है कि 2010 मॉडल से नीचे किसी गाड़ी में फाइनेंस नहीं होता। अच्छा, हमारे पास क्लाइंट्स के कॉल आते हैं 7 मॉडल 8 मॉडल, तो गाइस 7-8 मॉडल गाड़ी फाइनेंस नहीं होती। मिनिमम जो गाड़ी फाइनेंस होती है 2010 मॉडल। ठीक है, मिनिमम एटलीस्ट आपकी 2010 मॉडल होनी चाहिए, उससे ऊपर ही फाइनेंस होगी, उसके बाद की फाइनेंस नहीं हो पाएगी। और पेमेंट की बात करें तो अगर कोई शॉप पे आता है कैसे कैसे पेमेंट हो जाएगी? और पेमेंट ये अपने कस्टमर के ऊपर होता है, अगर वो कैश पेमेंट देते हैं, वो ऑनलाइन करते हैं, RTGS करते हैं, NEFT करते हैं, तो डिपेंड उनके ऊपर होता है। वो चेक से पेमेंट करना चाहते हैं, जिसमें हमारे अपना कस्टमर सेटिस्फाई है उसमें हम सेटिस्फाई। जिस भी मेथड में सेटिस्फाई हो आप इनसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको हर तरीके से पेमेंट मेथड मिल जाता है। और ऐसा भी हो जाएगा कोई अदर स्टेट में अपनी ट्रांसफर वगैरह कराना चाहता हूँ? अदर स्टेट के लिए आपको NOC ईजिली मिल जाती है, तो आप वहाँ जाके चाहो तो दिल्ली नंबर चला सकते हो, वरना आप वहाँ का नंबर ले सकते हैं। अच्छा, तो वो भी फैसिलिटी आप ही करा दोगे? सब पेपर्स की सारी जिम्मेदारी हमारी। और जैसे कोई कॉल करके आपसे कहे कि मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, आप मेरे वहाँ पे ट्रांसफर कर दो कार, तो वो फैसिलिटी हो जाएगी? देखिए बॉस, हम औरों की तरफ वो काम नहीं करते, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले आओ, गाड़ी पसंद करो, क्योंकि हम ना बाद में क्लाइंटेज खराब नहीं करते अपनी। आप खुद आकर गाड़ी चला कर देखो, ड्राइव करो, जब आपकी तसल्ली हो तब आप हमें पैसे देना, वरना मत देना। कार टेस्ट ड्राइव करने के कोई पैसे नहीं, गाड़ी देखने के पैसे नहीं, गाड़ी में बैठने के पैसे नहीं है, जब गाड़ी लोगे डील करोगे तो उसके पैसे। अच्छा, तो आपको यहाँ पे शॉप पे आना ही पड़ेगा अगर आपको कार परचेज करनी है। बाकी कुछ क्वेरी वगैरह हो तो मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप इनसे पूछ सकते हो। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, आपको टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी, आप उसका अंदर से अच्छे से इंटीरियर चेक कर सकते हो, आपको सारी चीज़ चेक करके दिखा दी जाएंगी, जैसे कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे वीडियो में भी दिखाया। और आओगे तो आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा हर कार के लिए, जैसे आप अपनी परचेज करना चाहते होगे। और बाकी कुछ कस्टमर की डिमांड होगी वो भी उस तरीके की कार हो जाएगी, जैसी कस्टमर की डिमांड होगी वैसे उनके लिए कार अवेलेबल है। अच्छा, तो उस तरीके की भी कार अवेलेबल हो जाएगी। तो देखते हैं आप किस तरीके का स्टॉक होने वाला है। और जैसे आप यहाँ पे इनका कार्ड देख सकते हो, इनकी शॉप का कार्ड होगा,
फैज़ रोड पे इनकी शॉप होने वाली है और एड्रेस वगैरह मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और हर चीज़ पे डील करते हैं, इनके कार्ड पे भी लिखा हुआ है और इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन्हें किसी भी तरीके की अगर आपको कार वगैरह खरीदनी हो। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रो से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रो होगी 1,25,000 इसका प्राइस होने वाला है। और कंडीशन वगैरह देख सकते हो 2007 मॉडल होगा और पेट्रोल की होती है। और बाकी यहाँ पे इसके डैशबोर्ड वगैरह दिखा देता हूँ आपको और दिखाता हूँ किस तरीके से अंदर दिखती है। और ये भी देखेंगे वहाँ पे कितनी चली हुई है और विद सर्विस रिकॉर्ड होगी जितनी भी चली हुई होगी, मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप यहाँ पे आते हो। और जैसे आप यहाँ से अंदर से इसकी कुछ इस तरीके की आपको कंडीशन मिलने वाली है, ऐसे यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे कि पूरी अच्छी कंडीशन होगी। और 1,25,000 था ना इसका प्राइस भाई? अच्छा 1,25,000 प्राइस होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी चली हुई होगी और जेन्युइन इतनी चली हुई होने वाली है। यहाँ पे विद सर्विस रिकॉर्ड आपको मिलेगी और फुल वर्किंग होने वाली है और पेट्रोल की होगी। एसी और स्टीरियो आपको फुल वर्किंग मिलने वाला है ऐसे आप देख सकते हो। तो और ये प्राइस जितना भी आपको बताऊंगा ये सारा नेगोशिएट कर सकते हो आप आराम से। और जैसे देख सकते हो 1,25,000 और थोड़ा बहुत हो जाएगा आपको नेगोशिएट अपने हिसाब से। और पीछे से भी जैसे देख सकते हो हल्की रेंज में एक अच्छी कार हो जाती है यहाँ पे। और ये जैसे देख सकते हो बेसिक कार होती है, 5 गियर के संग आपको ये मिल जाएगी और सेंट्रो होने वाली है। और जैसे सब एकदम क्लियर होने वाला है और इसकी रूफ भी देख सकते हो आप। और जैसे आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो सिल्वर कलर की आपको i10 मिल जाएगी। कौन से साल का मॉडल होगा भैया? 2008 मॉडल होने वाला। और आपकी डिमांड कितनी होगी भैया इसकी? अच्छा 1.5 लाख इनकी डिमांड होने वाली है। और बाकी आप आते हो तो आपको ये नेगोशिएट हो जाएगा इसका प्राइस वगैरह। और प्योर पेट्रोल की होने वाली है और जेन्युइन सर्विस रिकॉर्ड के संग होगी और फर्स्ट ओनर कार है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली नंबर इसका होने वाला है। और मैं दिखा रहा हूँ आपको अंदर से किस तरीके की दिखेगी, सारी चीज आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो आपको किस तरीके की i10 मिल जाएगी। और कंडीशन की जैसे दोबारा से बात करूँ तो आपको एकदम बढ़िया कंडीशन मिल जाती है जिस तरीके की यहाँ पे देख सकते हो। और ये सामने मेरे मिरर और एक सही कार हो जाती है बजट में आपको 1,50,000 में। और जेन्युइन चली हुई 74,000 किलोमीटर होने वाली है विद सर्विस रिकॉर्ड और सिंगल ओनर होने वाली है और सब कुछ वर्किंग होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ, आप अगर आते हो आपको यहाँ पे वर्किंग दिखाएंगे और प्राइस एकदम नेगोशिएट होगा। और डैशबोर्ड आप देख सकते हो कितना क्लियर है, एकदम अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी आपको। और ये जैसे यहाँ पे सारी चीज होगी जैसी भी यहाँ दिख रही है। और इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो आपको ये पावर विंडोज मिलने वाली है जिस तरीके से आप अपनी विंडोज यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। केवल 1,50,000 रुपीज में आपको इतना अच्छा प्राइस मिल जाता है और वो भी प्राइस लास्ट नहीं है, ये डिमांडिंग प्राइस है, नेगोशिएट हो जाएगा अगर आप आओगे। और पीछे से इसका व्यू देख सकते हो कुछ इस तरीके का होगा, सीट कवर वगैरह चढ़ा के इन्होंने बढ़िया करके रख रखी है यहाँ पे अपनी कार। और जैसे जैसे आप कार के अंदर देख सकते हो आपको स्पीकर मिलने वाले हैं, पाइनरी कंपनी के होंगे। और कंडीशन जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके की दिखेगी इसमें बैक में। और दिल्ली नंबर होने वाला, फर्स्ट ओनर होगी ओरिजिनल ये कार। और अब और ऊपर ज्यादा प्राइस की बात करें तो आपको यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर मिल जाती है, 2010 मॉडल होने वाला है और अप्रोक्स और 60,000 चली हुई होगी विद सर्विस रिकॉर्ड और सिंगल ओनर होने वाली है कार। डीजल वीडीआई होने वाली है और और इसके आप टायर यहाँ पे देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं टायर देख के, एकदम मजा आ रहा है। टायर इन्होंने बहुत बढ़िया लगा रखे हैं और इनका आस्किंग प्राइस इसके लिए 2,94,000 रुपीज है। थोड़ा बहुत नेगोशिएट अगर आप इनसे कॉल करोगे या यहाँ पे आते हो। अंदर से देखते हैं किस तरीके की ये कार होने वाली है। तो अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन मिल जाती है और जेन्युइन 60,000 किलोमीटर चली हुई होगी। और बाकी आप यहाँ पे आओगे तो आपको ज्यादा चीजें इसके बारे में डिटेल से पता लग जाएगी। इसको भी देखो अंदर से, इसका इंटीरियर कितना बढ़िया बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये इसका स्टेयरिंग यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा इसका डैशबोर्ड यहाँ पे एकदम क्लियर। इन्होंने अपनी यहाँ पे सर्विस अच्छी करा रखी है और विद सर्विस रिकॉर्ड होगी जो आपको यहाँ पे 60,000 किलोमीटर मिलेगी। सिंगल ओनर ये होने वाली है। इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का स्टीरियो मिल जाएगा, एसी भी मिल जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। और बाकी ये सीट वगैरह देख सकते हो इसके। और एक अच्छी मिल जाती है आपको, ये डीजल कार होने वाली है। और इस तरफ बात करें तो आपको ये पावर विंडो मिल जाती है, जैसे इसमें भी सेम ऑप्शन, तो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है इस तरीके की कार अगर आपको 2,95,000 में मिल जाए जो कि इनका आस्किंग प्राइस है और बाकी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्वालिटी वगैरह देख सकते हो, एक दोनों ने पॉलिश वगैरह करके रख रखी है बढ़िया करके अपनी कार। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो तो और ऊपर प्राइस में आ जाते हैं, आपको ये निसान सनी मिल जाएगी जैसे देख सकते हो, पूरी ओरिजिनल होने वाली है विद सर्विस रिकॉर्ड, 35,000 किलोमीटर चली हुई होगी। और जैसे इसकी क्वालिटी वगैरह देख ही सकते हो और इसका आस्किंग प्राइस उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है 3,45,000, बाकी थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा जैसे मैंने आपको हर गाड़ी के लिए बताया, तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा जब आप इनसे कॉन्टैक्ट करते हो। अंदर से भी इसका इंटीरियर चेक करते हैं कि किस तरीके का होने वाला है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का यहाँ पे इंटीरियर होने वाला है। और स्टीरियो भी देख सकते हो कितना प्यारा स्टीरियो होने वाला है, क्योंकि यार निसान है तो ऐसी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसके डैशबोर्ड पे बात करें देख सकते हो आपको जेन्युइन 35,000 किलोमीटर चली होगी। भैया सर्विस रिकॉर्ड इसका पक्का होगा पूरा? अच्छा पूरा सर्विस रिकॉर्ड होगा अगर कोई आता है। और बाकी अब इसका देखते हैं अंदर से किस तरीके की होने वाली है। देख सकते हो आपको ये इस तरीके के इसके सीट कवर वगैरह एकदम बढ़िया करके रखी हुई है, पॉलिश वगैरह लग नहीं रही मतलब अंदर से देखने में इस तरीके की जैसे कि पुरानी हो। कौन से साल का मॉडल था ये? 2012 मॉडल था। और वैसे इसका प्राइस कितना होता है मार्केट जो ओरिजिनल का प्राइस होता है?
लेने जाते हैं तो अप्रोक्स 11 लाख के करीब आपको नहीं। अच्छा 11 लाख की आ जाती है और यहाँ पे देख सकते हो आपको कितने कम प्राइस में मिल जाती है, तो अच्छी बात हो जाती है। और बाकी बहुत सारे फीचर होंगे भैया आपको बता देंगे अगर आप यहाँ पे इनकी शॉप पे आओगे। और पावर विंडो का जैसे इस गाड़ी में भी आपको फीचर मिली जाएगा क्योंकि एक तरीके की लग्जरी कार हो जाती है तो इन सब में मिल ही जाता है इस तरीके का फीचर। तो यहाँ पे भैया हमें कुछ नया फीचर दिखाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे इसकी बैक साइड पे जाना पड़ेगा इसकी डिग्गी के पास, तो उस तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी डिग्गी होने वाली, दिखाना भैया किस तरीके का फीचर होगा इसमें। अच्छा तो रिमोट से इसको अपने आप ओपन कर सकते हैं जैसे यहाँ पे देख रहे हो, तो एक अच्छा फीचर हो जाता है जैसे कि कई बार आपको उठाना वगैरह नहीं पड़ता। और साथ में खास बात भैया ने मेरे को बताई थी इसकी स्टेपनी इन यूज होगी, मतलब कभी यूज ना की हुई होगी। तो इसके टायर वगैरह भी देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके के होंगे। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे टायर मिल जाएगा, देख सकते हो एकदम नया टायर लगाया हुआ है यहाँ पे भैया ने, मेरे को लगता नया ही है बिल्कुल ये, यहाँ पे देख सकते हो। और अच्छी आपको रिंग वगैरह मिल जाती है इसमें। और अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक लग्जरी कार भी मिल जाती है, बहुत ज्यादा बढ़िया यहाँ पे जैसे देखने को मिल रही है, होंडा सीआरवी होने वाली है और इनका आस्किंग प्राइस यहाँ पे 5 लाख रुपीज है। और बाकी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा अगर आप आते हो यहाँ पे, ऑन काउंटर हो जाएगा और जैसे देख ही सकते हो। और इसकी मार्केट के ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो 15 लाख रुपीज की सेल होती थी जिस टाइम ये आती थी, 2008 इसका मॉडल होने वाला है और सिंगल ओनर ये कार होगी और 75,000 किलोमीटर चली है, और 75,000 किलोमीटर चली है विद जेन्युइन रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा सर्विस रिकॉर्ड इसका होगा। और इसका एक स्पेशल फीचर यहाँ पे दिखाया है इन्होंने, ऑटोमेटिक सनरूफ होगी इसके अंदर। और बाकी देखते हैं अंदर से किस तरीके की कार होने वाली है। और अंदर से जैसे यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटीरियर मिलेगा, 5 सीटर ये कार होती है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, 3 सीट पीछे और 2 आगे। और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका स्टेयरिंग होने वाला है यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे यहाँ पे इतना आपको एकदम क्लियर डैशबोर्ड मिल जाएगा और ये जेन्युइन 75,000 किलोमीटर चली हुई होने वाली है और फर्स्ट ओनर कार होगी आपको ये, और फुली ऑटोमेटिक होगी जैसे यहाँ पे गियर वगैरह देख सकते हो। और ये सब भी आपको इसमें एकदम फुल लग्जरियस कार होगी और इसके ऊपर जैसे यहाँ पे सनरूफ है उसमें आपको ऑटोमेटिक सनरूफ हो जाएगी और ये इस कार की जैसे सनरूफ भी देख सकते हो, तो अच्छा ऑप्शन हो जाता है जब आप आओगे यहाँ पे चेक हो जाएगी आपकी। और ये इसकी डिस्प्ले होने वाली है और आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी बढ़िया कंडीशन में होगी। और इसका वैसे ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो 15 लाख रुपीज तक का इसका प्राइस था और आपको यहाँ पे अगर आओगे तो ये बस आपको मिल जाएगी 5 लाख की आस्किंग प्राइस है। और देख ही सकते हो यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन होगी और पेट्रोल पे चलने वाली कार होगी, ये प्योर पेट्रोल होने वाली है और ऑटोमेटिक गियर जैसे यहाँ पे इनका बहुत एक अच्छा फीचर है। और एसी वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे, अच्छी कार हो जाती है इसके अंदर। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको ये आर्म होल्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है ताकि पीछे कोई बैठा है तो एकदम आराम से बैठ सके। और उसके बाद भी यहाँ पे पीछे बहुत एक अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको कुछ भी सेट वगैरह कराना हो। 5 सीटर ये कार हो जाती है, ऐसे 2 सीट आगे और यहाँ पे पीछे। और इसके आप ये टायर देख सकते हो इस तरीके के होंगे और टायर एकदम बढ़िया एकदम नए से लग रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बिल्कुल बिना घिसे हुए टायर है और जेन्युइन रिकॉर्ड होने वाला है इसका सर्विस का। अगर आप यहाँ पे परचेज करोगे तो आपको सब कुछ दिखा दिया जाएगा, दिल्ली नंबर कार होगी जैसे यहाँ पे देख सकते हो और कंडीशन पीछे से ही बहुत अच्छी हो जाती है इसकी। और सुजुकी की बजट कार की बात करें तो आपको सुजुकी की बजट कार भी यहाँ पे मिल जाएगी, इसका आस्किंग प्राइस इन्होंने यहाँ पे रखा है 2,25,000 रुपीज। सुजुकी रिट्स है जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कार की कंडीशन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है और इसके आपको नए अलॉयल्स होंगे और न्यू टायर होंगे इसके अंदर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और एकदम अच्छी कंडीशन में होगी और 2010 इसका मॉडल होगा। और अंदर से भी देखते हैं किस तरीके की ये कार होने वाली है। तो इसके यहाँ पे टायर देख सकते हो भाई, बिल्कुल एकदम न्यू टायर होने वाले हैं यार इसमें और न्यू अलॉयल्स होंगे। और प्राइस मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे 2,25,000 रुपीज इनका आस्किंग प्राइस है। और इस तरीके से आपको कुछ अंदर से कार दिखने वाली है, ऐसे यहाँ पे देख सकते हो एक बजट कार अच्छी प्राइस में आपको इस तरीके की मिल जाती है, 2,25,000 रुपीज इनका आस्किंग प्राइस है। और बाकी आप यहाँ पे कर सकते हो थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा प्राइस। और अगर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए ज़्यादा सीट वाली तो उस तरीके की भी कार यहाँ पे मिल जाएगी, तो ये इनोवा मिल जाती है, यहाँ पे इनका आस्किंग प्राइस है इसका 10.25 लाख रुपये। और बाकी इस प्राइस में भी आपको थोड़ा बहुत नेगोशिएट मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे आते हो। और कंडीशन देख सकते हो किस तरीके की कंडीशन होगी, एकदम ओरिजिनल कार है यहाँ पे, 2012 की है और 10.25 लाख रुपये इनका यहाँ पे आस्किंग प्राइस है, बाकी नेगोशिएट वगैरह हो जाएगा। और 49,000 चली होगी जेन्युइन यहाँ पे विद सर्विस रिकॉर्ड। और अंदर से इसका इंटीरियर वगैरह देखते हैं कि किस तरीके का होने वाला है। और यहाँ पे आप जैसे नीचे भी देख सकते हो आपको एकदम न्यू टायर मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे कंडीशन है इसकी तो अलग टायर एकदम न्यू मिल जाएंगे, चारों टायर इसी कंडीशन में मिलेगी जब आप आओगे। और इसका मिरर वगैरह भी देख सकते हो एकदम बढ़िया क्वालिटी में होने वाले हैं। और इसकी कंडीशन वगैरह जैसे यहाँ पे देख सकते हो एकदम आपको बढ़िया कंडीशन मिल जाएगी, डैशबोर्ड भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, तो एकदम क्लियर डैशबोर्ड होगा। और 49,000 किलोमीटर जेन्युइन चली होगी विद सर्विस रिकॉर्ड और 2012 मॉडल होने वाली है जैसे यहाँ पे देख सकते हो। और इसका स्टीरियो भी कितना बढ़िया लगा हुआ है यहाँ पे, फुल वर्किंग होगी। और एक बड़ी कार हो जाती है 7 सीटर जैसे मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ इस तरीके की, इसमें देख सकते हो ना कितनी सारी सीट है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाती है इसमें, बहुत सारी आपको सीट वगैरह मिल जाती है और कंडीशन अच्छी हो जाती है जैसे यहाँ पे नीचे तक का भी देख सकते हो, दिख नहीं रहा है
भाई। हाँ तो जैसे आप देख सकते हो नीचे तो टोयोटा की ये कार होगी और एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी यहाँ पे का, ये नीचे के भी आप देख सकते हो एकदम बढ़िया कंडीशन होगी। और ये इसकी पावर विंडो होगी और इंटीरियर बहुत अच्छा यहाँ पे लगा हुआ, जैसे डैशबोर्ड वगैरह, बोतल होल्डर वगैरह आपको इस तरीके के छोटे मोटे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। और इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट जैसे भी इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं बहुत सारे। तो इस तरीके की कार होती इसलिए कि आप आराम से अपना यहाँ पे घूम सको वगैरह, ये सब कर सको। और एडवेंचर के लिए भी बहुत अच्छी कार ये हो जाती है यहाँ पे। और पीछे भी आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी प्यारी कार लग रही है ना प्यारी। तो यार इसका आस्किंग प्राइस भी इतना ही प्यारा है, 975,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है यहाँ पे। और सारे प्राइस नेगोशिएट होंगे यहाँ पे। तो ये फॉर्चुनर होगी, 2010 मॉडल है। और देख ही सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की इसकी क्वालिटी वगैरह, तो एकदम बढ़िया है। इसी कंडीशन भी दिखाता हूँ। और खास बात इसकी होने वाली है, इसमें आपको 4x4 मिल जाएगा जैसे यहाँ पे कार है। और देखते हैं इसका इंटीरियर किस तरीके का होगा। और जैसे यहाँ पे कंडीशन वगैरह देख सकते हो, तो डबल गियर के इसमें आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है 4x4। और यार जब आती थी तो बहुत महंगी आती थी और आपको यहाँ पे 975,000 रुपीज में मिल जाएगी जैसे यहाँ पे कार। तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा प्यारी होगी इसकी जैसे यहाँ पे दिख रही है, तो देख लो यार। और एक बड़ी गाड़ी हो जाती है लग्जरी आपको फॉर्चुनर में, और दिल्ली नंबर मिलने वाली है। और उसके टायर और अलॉय देख सकते हो कितने बढ़िया है, एकदम अच्छी कंडीशन में होंगे। तो जैसे आपने देखा, मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी कार दिखाई और जेन्युइन प्राइस मैंने आपको दिखाया, कम से कम प्राइस पे दिखाने की कोशिश की। एक्चुअल में अगर आप आते हो तो आपको यही प्राइस मिलने वाला। बाकी सब इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आने के लिए यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको करोलबाग पड़ेगा, तो आप करोलबाग से आ सकते हो। तो आपको कार कैसी लगी नीचे कमेंट में करके बताना मेरे को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हो परचेज करने के लिए तो आप शेयर कर देना वीडियो को, ताकि वो इस चीज़ का फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर कहूँगा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बराबर में बेल आइकन भी दबा दो ताकि वीडियो से आप मेरी कनेक्ट रहो। तो इसी तरीके की वीडियो मैं और ज़्यादा बनाता रहूँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज प्रतीक कुमार, टाइम आउट।